हेलो प्यारे बच्चों, तो ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौराहाट, आपका फिर से स्वागत करता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि कल बात हुई थी। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं आज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है। एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम तीन चार टॉपिक्स के बारे में इसके बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे नॉमनक्लेचर की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आज इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, इसके स्ट्रक्चर की, और इसकी एसिडिटी की, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोमनक्लेचर की बात करेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोमनक्लेचर की बात करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और इनकी जो है कुछ एसिडिक नेचर की बात करेंगे और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बहुत सिंपल, बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड फॉर व्हिच द फंक्शनल द ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड कंटेनिंग दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जिस भी कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप होगा, CO, इसको सिंपली हम ऐसे लिखेंगे, CO है, तो ये फंक्शनल ग्रुप जिसमें भी है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देंगे। और इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड दे आर मेजॉरिटी ऑफ देम इज प्रेजेंट इन नेचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है, टमाटर में होता है, गोभी में होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड आप जानते हैं सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ठीक है। ऐसे ही एसिडिक एसिड जो है विनेगर में होता है, विनेगर किससे, गन्ने के रस से बनता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे नेचर के अंदर एसिड्स हैं, सेब में मैलिक एसिड होता है, जितना जो खट्टापन है नेचुरल फ्रूट्स का वो इन एसिड्स की वजह से होता है। जो बिटर सॉर टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट फ्रूट्स का, इट इज़ ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट इन देम। एक और मक्खन जो आप खाते हैं उसमें भी एसिड होता है, कौन सा, ब्यूटायरिक एसिड, मक्खन में ब्यूटायरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स नेचर में होते हैं, तो उनका नेचर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हम बात करेंगे इनके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉमनक्लेचर से। तो IUPAC में तो आप जानते ही हैं कि IUPAC में इसके कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ भी ये ग्रुप होगा तो यू राइट ओइक एसिड लिखते हैं। जैसे एक कार्बन हो तो मेथेनोइक एसिड, दो कार्बन हो तो एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन, ओइक एसिड वी आर यूजिंग, ओके। देन अब इसके अलावा जो है कॉमन नेम्स आपको याद रखने होते हैं, IUPAC नेमिंग में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और याद रखनी है कि जब आप IUPAC नेमिंग कर रहे हैं COOH और CH3, तो कई बार बच्चे एक गलती कर जाते हैं, इस कार्बन पे नंबरिंग नहीं करते हैं, कार्बन कहीं नहीं छूट रहा है, जो चेन में आ रहा है वो कार्बन नहीं छूटेगा, चेन में है तो वन, यहां से कभी भी COOH वाले सी से वन लिखा जाता है, याद रखें COOH वाले सी से वन लिखा जाता है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो एथेनोइक एसिड ऐसे नेमिंग की बात, IUPAC नेमिंग पे पूरा ही एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, उसकी मैं अलग से बात करूँगा। तो IUPAC नेमिंग के अलावा यहाँ मैं कॉमन नेमिंग की बात करूँगा। अभी मैं एक बात कर रहा था ब्यूटायरिक एसिड, कॉमन नेम है,
आईपीएसी नहीं है, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही एसिड्स के कॉमन नेम अलग होते हैं, वैसे ही जाना जाता है उनको। तो कॉमन नेम्स की बात मैं करूँ तो ब्यूटायरिक एसिड CH3CH2CH2COOH, दिस इज ब्यूटायरिक एसिड हैविंग फोर कार्बन स्ट्रेट चेन में। दीज आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स मींस स्ट्रेट चेन में इनके कार्बन होंगे, तो ये ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड। ऐसे ही स्ट्रेट चेन में एक कार्बन और बढ़ा दें, कितने कार्बन हो जाए, 5 कार्बन 5C, ऐसे ही एक और CH2 बीच में एक और आ जाएगा, तो 5C वाले का नाम होता है वैलेरिक एसिड, ठीक है, वैलेरिक एसिड। ऐसे ही अगर हम एक कार्बन और बढ़ाते हैं इसमें, जैसे वैलेरिक एसिड क्या होगा, वैलेरिक एसिड ये हो जाएगा CH2COOH, ये आपका वैलेरिक एसिड है। ब्यूटायरिक एसिड जो था 4 कार्बन वाला था, 5 कार्बन वाला आपका वैलेरिक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही 6 कार्बन की बात करें, यानी एक कार्बन वैलेरिक आप समझ गए, 5 कार्बन, ऐसे ही हम कर दें 6 कार्बन, ये नाम आपको याद करने होंगे, 6 कार्बन कर दें, यानी कि इसको बना दें हम CH2COOH, नाउ 1 2 3 4 5 6 कार्बन, दिस इज नोन एज कैप्रोइक एसिड, नाम इनका कॉमन कैप्रोइक एसिड। ऐसे ही हम 8 कार्बन कर दें, 7 वाला जो है नेचर में नोन नहीं है, इसलिए हम उसके कॉमन नेम की बात नहीं करेंगे, 8 कार्बन कर दें CH2 और COOH, ये कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, तो 8 कार्बन जो है कैराइलिक एसिड, इट इज कैराइलिक एसिड, यानी कि 8 कार्बन वाला एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दैट इज कॉल्ड कैराइलिक एसिड, ठीक है। तो इसके बाद 8 के बाद फिर हम बात करेंगे 10 कार्बन, ये कौन नेम आपको याद रखने होंगे बेटा, क्योंकि ये कई बार पूछ दिया जाता है। तो इसके बाद 2 और बढ़ा दें कार्बन, वैसे ही जैसे मैं बढ़ा रहा था, तो उसका नाम होता है कैप्रिक एसिड, एक था कैप्रोइक एसिड 6 वाला, लेकिन 10 वाला क्या होगा, कैप्रिक एसिड 10 वाला, 10 कार्बन वाला जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा दैट इज कैप्रिक एसिड। तो नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेमिंग याद करना इंपॉर्टेंट है। IUPAC में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा जिसमें खाली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, खाली सिंगल फंक्शनल ग्रुप अगर होता है किसी कंपाउंड में, तब उसकी नेमिंग इतनी टिपिकल नहीं होती है, जब उसमें मल्टी फंक्शनैलिटी आ जाती है तब दिक्कत होती है। तो मैं वीडियो इसी हिसाब से बनाऊंगा आपके लिए कि मल्टी फंक्शनैलिटी जब आ जाएगी, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे और वो आड़े टेढ़े जुड़े होंगे, तब कहाँ कहाँ क्या क्या सिचुएशंस हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें बदल जाती हैं, उसकी बात हम अलग से करेंगे, वो भी अगर आप डिमांड करते हैं कमेंट में, तब ठीक है। तो ये बात करते हैं, आप देखिए इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर के बाद स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्ट्रक्चर क्या है कि ये सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें अभी क्या होता है ये देखते हैं, ये जो है ये यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होंगे, इसमें यहाँ भी 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, यहाँ भी 2 लोन पेयर हैं, दोनों ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे। लेकिन इसमें होता क्या है डियर, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर जाएंगे तो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव आएगा तो ये लोन पेयर इधर सेटिस्फाई करने पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ओ हो गया नेगेटिव और 2 लोन पेयर, नेगेटिव का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आ चुका है, टोटल यहाँ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक नेगेटिव के आने की वजह से, और यहाँ आया था पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही लोन पेयर आया तो ये हो गया, और अब इसके ऊपर एक ही लोन पेयर बचा, क्योंकि एक यहाँ ये एक बॉन्डिंग के लिए चला गया और इस पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हम ये बना सकते हैं कि ये ऐसा है कि डबल बॉन्ड कभी तो इधर है और कभी इधर है, ऐसे ऐसे करके हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डबल बॉन्ड जो है डीलोकलाइज है इधर और इधर में। तो ये आपका जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें समझना एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका क्या है और
इसका क्या है, याद रखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ ये sp2 हाइब्रिड होता है ये वाला कार्बन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना रखा है, और ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका क्या होगा, ये याद रखना है। इसका बेसिकली वैसे तो होगा sp3, ठीक है, और इसका होगा sp2, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड इधर आ गया डबल बॉन्ड, ये sp2 होगा, ये sp3 होगा, याद रखेंगे। तो ये चेंज होता रहता है, मतलब ये डीलोकलाइज होते रहते हैं sp3 sp2, इनका कोई फिक्स sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ये कॉम्पिटिशन में आने वाली बात है कि इसका sp3 होगा या इसका इसका, वो फिक्स नहीं है, इन दोनों का जो है sp2 sp3 में चेंज होता रहता है, जैसे जैसे बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, वैसे वैसे हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी की, दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है याद रखना है कि अप टू जो 3 कार्बन वाले हैं, 3 कार्बन वाले, 1 से लेकर 3 कार्बन तक के, जैसे मेथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, और प्रोपेनोइक एसिड है, ये 3 कार्बन तक के जो कंपाउंड्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं कि इनका नेचर कैसा है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये सारी हम बातें फिजिकल प्रॉपर्टी में करते हैं। तो अप टू 3 कार्बन वाले जो हैं ये लिक्विड होते हैं, लिक्विड्स विद पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल, तीखी, पंजेंट का मतलब होता है तीखी, सहन नहीं कर पाएंगे आप, इतनी तीखी स्मेल होती है, बहुत नाक में चढ़ने वाली स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, स्मेल चुभने वाली, पंजेंट का मतलब तीखी चुभने वाली, पंजेंट स्मेल वाले लिक्विड होते हैं। इसके अलावा 4 से ऊपर जाते हैं, तो 4 से ऊपर 11 तक के जो 11 अप टू 11 4 टू 11 कार्बन वाले जो हैं